हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र कुमार दास ऑन जेडी स्टॉक। फ्रेंड्स, फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आपका नर्सिंग ऑफिसर हाजिर है। सो फ्रेंड्स, कोरोना ये जो शब्द है, शायद ये सुन के सबका अब डर लगने लगा है। मेरे हिसाब से ये कोरोना शब्द 2020 का सबसे डरावना शब्द है। शायद ये कोरोना जो है सारे विश्व में एक बवाल मचा के रखा है, सारे विश्व में एक बड़ी चुनौती और बड़ी प्रॉब्लम के तौर पे खड़ा हुआ है। और यह हमारे भारत में कोरोना का कहर बहुत बुरी, बहुत ज्यादा ही बढ़ने लगा है अब। सो आप सभी को पता ही है कोरोना कहाँ से आया, किस तरह से फैला, ये बारे में बताने का कोई जरूरत नहीं है, ये आप सभी को पता है सब। अब बात रही कोरोना का, अब तक कोई एंटीडोट नहीं बन पाया है, मतलब इसका कोई दवा अब तक नहीं बन पाया जिससे कि हम कोरोना को ठीक कर सके। सो फ्रेंड्स, अब हमको क्या करना है, उसका अल्टरनेटिव कुछ ढूंढना है जिससे कि हम कोरोना से बच सके। हम ऐसा क्या कर सके जैसे कि हम कोरोना से बच जाए। सो फ्रेंड्स, ये सारे चीज मैं बताऊंगा आपको, हमको क्या करना चाहिए जो करने से कि हम कोरोना से बच सके या कुछ हद तक हम उसे प्रिवेंट कर सके। सो ये सारे चीज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सो ध्यान से देखिए इस वीडियो का। अगर फ्रेंड्स इस तरह का वीडियो आपको पसंद है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरा हर वीडियो आप पहले देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा हर वीडियो आप पहले देख पाए तो नीचे जो बेल आइकन है उसका जरूर दबाइए। सो फ्रेंड्स, ज्यादा देर ना करते हुए चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, कोरोना से हम आसानी से बच सकते हैं, सिर्फ हमको कुछ चीजों में ध्यान रखना चाहिए और यह सिर्फ अगर हम खुद ही चाहे तो हम कर सकते हैं, अगर हम खुद ही चाहे तो हम कोरोना से बच सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है अपने अपने आप पर, ठीक है फ्रेंड। सो फ्रेंड्स, पहले तो हमें क्या करना है, गवर्नमेंट के बताए हुए सारे रूल को हमको फॉलो करना है। तो ये जो गवर्नमेंट जो सब चीज बताते हैं कोरोना को कैसे मुकाबला करना है, क्या क्या चीज सब करना है, ये सारे चीज को, सारे रूल को हमको फॉलो करना है। और दूसरी बात, अगर ऐसा कोई जरूरी काम नहीं है तो हमको बाहर नहीं निकलना है, अननेसेसरी हमको इधर उधर नहीं घूमना है, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, अगर इस तरह से इतना भी जरूरी कोई काम नहीं है तो हमको बाहर नहीं निकलना है। अगर ऐसा कोई जरूरी काम पड़ गया, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो मास्क जरूर पहनिए, ये कुछ हद तक आपको प्रिवेंट कर सकता है कोरोना से, ठीक है। मास्क पहनना एक महत्वपूर्ण काम है, मतलब ये जरूर पहनिए अगर आप बाहर जाते हैं तो, ठीक है। अब जितना जरूरी हमें बाहर जाने का है उससे कहीं ज्यादा जरूरी हम सुस्त रहे, तो हमारे हेल्थ उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। अगर हम सही तरीके से सुस्त रहे तो आगे बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये सारे चीज हमको मानना है, गवर्नमेंट के बताए हुए सारे रूल को हमको फॉलो करना है, ठीक है। और जो लोग हमारे लिए लड़ रहे हैं, जो सब सारे डॉक्टर्स, नर्स, पुलिस, हमारे जो सब सफाई कर्मचारी, ये सारे जो काम कर रहे हैं हमारे लिए, उनका परिश्रम को हमको उचित फल देना होगा गवर्नमेंट का बताए हुए रूल को फॉलो करते हुए। सो फ्रेंड्स, अब ये रहेगा कुछ बातें, अब मैं मुद्दे पे आता हूं। अब कोरोना को रोकने का महत्वपूर्ण भूमिका है हमारा हाथ को धोना, हैंड वॉशिंग, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका है कोरोना को रोकने का। क्योंकि ज्यादातर सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि जो सूक्ष्म जीव है वो ज्यादातर हमारे हाथ के जरिए हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, तो हमारे हाथ को साफ रखना बहुत महत्वपूर्ण है। सो फ्रेंड्स,
अब मैं पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप सारे चीज बताऊंगा कि आपको हाथ कैसे धोना है, आपको हैंड वॉशिंग कैसे करना है। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, इसमें बहुत कुछ रूल्स है जिसको आपको फॉलो करना है। इस तरह से करके आपको आप सारे मतलब सूक्ष्म कण या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दूर कर सकते हैं अपने शरीर से। सो फ्रेंड्स, क्या करना है ना, पहले तो हमको मिनिमम 20 सेकंड तक हमारे हाथ को धोना है, ठीक है। ये याद रखिए, 20 सेकंड तक हमारे हाथ को धोना है। तो पहले क्या करना है, अपने टैप को ओपन कर देना है। फिर ओपन करने से पहले, टैप ओपन करने से पहले आपको क्या करना है, आपके हाथ में जो भी ज्वेलरी या फिर जो भी अंगूठी घड़ी जो भी लगाए हैं वो सारे चीज निकाल देना है। जैसे कि ये अंगूठी घड़ी, ये सारे चीज निकाल देना है। फिर निकालने के बाद आपको थोड़े से पानी लेकर हाथ को धोना है। फिर आपके पास जो भी मतलब हैंड वॉश है, जैसे कि कोई भी सॉप है या फिर कोई भी साबुन है तो वो भी चलेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। साबुन, हैंड वॉश जो भी है, आपको थोड़ा सा लेकर आपको दोनों हथेली को इस तरह से मोड़ना है, रगड़ना है, पाम टू पाम, इस तरह से दोनों पाम को रगड़ना है। फिर क्या करना है, ये 5 बार करना है, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से 5 बार करना है। फिर आपने राइट हाथ के पाम को लेफ्ट हाथ के बैक ऑफ द पाम, मतलब पाम के पिछले हिस्से में इस तरह से आपको रगड़ना है, और उंगलियों को इस तरह से अंदर डालना है दोनों हाथ के अंदर, ठीक है। तो इस तरह के डालकर इस तरह से 5 बार आपको रगड़ना है। फिर दूसरे हाथ पर जो काम आप इस हाथ पर किए, फिर दूसरे हाथ पर मतलब लेफ्ट हैंड के पाम को राइट हैंड के पाम के पीछे की तरफ उस तरह से फिंगर को अंदर करके रगड़ना है 5 बार, इस तरफ 1, 2, 3, 4, 5, इस तरफ 1, 2, 3, 4, 5, तो इस तरह से आपको रगड़ना है। फिर क्या करना है, आपने दोनों हाथ की उंगलियों को इस तरह से आपको उंगलियों को उनके बीच में लाकर इस तरह से आपको रगड़ना है 5 बार, ठीक है। तो दोनों हाथ को इस तरह से रगड़ना है, ये हो गया हमको इसको हम बोलते हैं इंटरलेसिंग, ठीक है, यही होगा इंटरलेसिंग। फिर उसके बाद क्या करना है, आपने हाथ के जो उंगलियां है उनको इस तरह से रखना है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से रखकर आपको हाथ को इस तरह से रगड़ना है, ठीक है, इस तरह से रगड़कर आपको साफ करना है। ये पहले एक हाथ पर इस तरह से करना है, इसको हम बोलते हैं इंटरलॉकिंग, ठीक है। इस तरह से 5 बार, 1, 2, 3, 4, 5, फिर इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, मतलब इस तरह से दोनों हाथ को आपको करना है, ठीक है, ये हो गया इंटरलॉकिंग। फिर आ गया क्या, आपको हाथ के थंब को, ये जो थंब है उंगली को, इसको आपको इस तरह से घुमाकर रगड़ना है। तो पहले से ये इस तरफ से उंगली से लाकर आपको इस उंगली को इस तरह से घुमाकर रगड़ना है 5 बार, ठीक है, इस हाथ पे 5 बार। फिर ये हाथ में इस उंगली से फर्स्ट फिंगर से आपको इस तरह से लाकर ये उंगली को इस तरह से रगड़ना है 5 बार, दोनों हाथ में वाइस वर्सा आपको करना है। तो इसको हम बोलते हैं थंब रोटेशन, ठीक है। तो अब हो गया थंब रोटेशन। अब क्या करना है, अपने हाथ के जो नाखून है, जो उंगली है, उंगली की टिप्स, ये टिप्स को आपको क्या करना है, दूसरे हाथ के पाम पर इस तरह से रखकर आपको इस तरह से मोलना है, ठीक है। तो ये 5 बार इस तरह से मोलना है, फिर दूसरे हाथ पर फिर से 5 बार इस तरह से उंगलियों को मोलना है। तो ये काम आपको 5-5 बार करना है, फिंगर टिप्स रोटेशन ऑफ द फिंगर टिप्स आपको ये सब करना है, ठीक है। फिर क्या करना है, आपको रिस्ट, अपने रिस्ट से डाउनर आपको साफ करना है, ठीक है। ये करने के बाद अपने रिस्ट से डाउनर इस तरह से आपको साफ करना है, लेफ्ट हैंड में फिर राइट हैंड में, दोनों हाथ में आपको करना है। जैसे कि ऐसे करने के बाद रिस्ट से डाउनर,
तो फ्रेंड्स ये कुछ स्टेप्स है जो मैंने बताया हैंड वॉश का, जिसको आप फॉलो करने से आप वो सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आपको शरीर से दूर रख सकते हैं, और ये करने से आप कोरोना को दूर रख सकते हैं कुछ हद तक। और ये बहुत मतलब कारीगर काम है, ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है जिससे हम कोरोना को दूर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये जो सारे स्टेप्स मैंने बताया जो सारे स्टेप्स, तो इसको मैं अब कुछ आसान तरीके से बताऊंगा जैसे कि आप याद रख सके आसानी से। सो पहला इसका मैंने ये 7 स्टेप बताया, सो ये 7 स्टेप्स मैं अभी आसानी से आपको बताऊंगा जिस तरह से आप याद रख सके। पहले तो आप ये मतलब याद रखिए कि आपको मिनिमम 20 सेकंड तक हाथ धोना है, ठीक है। और दूसरा हो गया आपको सारे ज्वेलरी जो आप हाथ में लगाए हैं, घड़ी अंगूठी ये सारे चीज आपको मतलब निकाल देना है। निकालने के बाद सोप लेके, तो पहला स्टेप क्या है, पाम टू पाम आपको इस तरह से पाम टू पाम 5 बार रगड़ना है, फिर पाम टू बैक ऑफ द पाम, ठीक है। लेफ्ट साइड ये हो गया राइट पाम टू लेफ्ट डॉर्सम, ठीक है। इस तरह से पहला स्टेप हो गया पाम टू पाम, फिर पाम टू डॉर्सम याद रखिए, सेकंड स्टेप इस तरह से दोनों हाथ में 5 बार, फिर तीसरा स्टेप क्या हो गया इंटरलेसिंग, ये हो गया हमारा इंटरलेसिंग, ठीक है, इसको जैसे बताया था वैसे करना है। फिर चौथा हो गया क्या इंटरलॉकिंग, इस तरह से आपको इंटरलॉक करके आपको साफ करना है, इंटरलॉकिंग हो गया। अब हो गया चौथा, अब 5 स्टेप क्या है ना थंब रोटेशन, ये हो गया थंब रोटेशन इस तरह से जैसे बताया था मैंने उस तरह से दोनों हाथ में करना है थंब रोटेशन। अब 6th स्टेप क्या है टिप्स ऑफ द फिंगर्स, आपको टिप्स ऑफ द फिंगर्स को आपको इस तरह से रगड़ना है टिप्स ऑफ द फिंगर। देन 7th स्टेप क्या होता है ना उसको रिस्ट टू डाउन, ठीक है। ये 7 स्टेप को आपको याद रखना है, पाम टू पाम, पाम टू बैक ऑफ द पाम या फिर पाम टू डॉर्सम, इंटरलेसिंग, इंटरलॉकिंग, थंब रोटेशन, फिर टिप ऑफ द फिंगर्स, फिर रिस्ट टू डाउनवर्ड, ठीक है। ये सारे चीज आपको याद रखना है, और ये सारे स्टेप्स एक के बाद आपको करना ही है, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स करने के बाद आपको क्या करना है, आपको वो जो पानी का नल वो जो टैप है उसको अपने हाथ से नहीं बंद करना है। उसको कैसे बंद करना है, अपने कोहनी से इस तरह से आपको नल को बंद करना है, ठीक है। तो आपको हाथ से नहीं बंद करना है। तो ये रह गया कुछ स्टेप्स जो कि हम मतलब मेडिकली तौर पर हम ये सारे स्टेप्स यूज करते हैं हाथ धोने में, तो आप लोगों को भी करना चाहिए। तो ये करने से कुछ हद तक हम कोरोना को रोक सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स और एक बात, कोरोना की वजह से अब बहुत सारे लोग घर पर हैं, और इस वजह से लोगों को बहुत सारे चिंता स्ट्रेस ये वगैरह भी है, तनाव, बहुत सारे लोग तनाव में रहते हैं। तो आपको एक सलाह देता हूं क्या करना है, आप रोजाना सुबह एक्सरसाइज कीजिए, और टाइम मिले तो शाम को या फिर कभी मेडिटेशन ये वगैरह जरूर कीजिए। ये करने से कुछ हद तक आपको मतलब अच्छा लगेगा और स्वस्थ फीलिंग होगा आपको, मतलब आप हेल्दी फील करेंगे, ठीक है, ये सब चीज करने से। तो ये चीज कीजिए, तो ये सारे चीज करने से हम कुछ हद तक कोरोना को रोक सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और गवर्नमेंट के बताए हुए सारी रूल्स को हमको फॉलो करना है, और इतना जरूरी अगर ना हो तो हमको बाहर नहीं जाना है। सो ये आने वाले महीने बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, सो हमको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। सो हमारा थोड़ा सा ध्यान हमको और सारे विश्व को बचा सकता है। सो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिए, और इस तरह का नर्सिंग केयर के बारे में अगर आप इंटरेस्टेड है और ज्यादा वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरा हर वीडियो पहले देखना चाहते हैं तो
नीचे जो बेल आइकन है उसका दबा दीजिए। धन्यवाद।